बिहार यूपी की न्यूज। सूखी नहर में गिरी अनियंत्रित बाइक, मां की मौत, बेटा घायल। कैलिया से पिपरी की तरफ आ रही एक अनियंत्रित बाइक सूखी पड़ी बगरा साख में जा गिरी, जिससे बाइक सवार मां बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए दोनों को सीएससी पहुंच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। बेटी की मरहम पट्टी की गई है। जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती मध्य प्रदेश के ग्राम सोहन निवासी सुनील रजक अपनी माता की ससुर को बाइक पर बैठाकर कैलिया होते हुए औरैया जा रहे थे। जैसे ही बाइक पिपरी के पास पहुंची तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सूखी पड़ी नहर में जा गिरी और बाइक सवार माँ बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कैलिया थाना पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए सीएससी पहुंच भिजवाया। डॉक्टरों ने ससुर उम्र 50 वर्ष पत्नी अमृतलाल को मृत घोषित कर दिया। सुनील का भी उपचार किया गया है। कैलिया पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पेशे जालौन से अनुज पाटकर की एक खास रिपोर्ट। क्या हुआ मामला, एक्सीडेंट कैसे हुआ? कंट्रोल नहीं हुई। कहाँ चली गई? खाई में। नहर में कि खाई में? नहर में। कौन था साथ में? मम्मी। क्या एक्सपायर हो गई? हाँ।